सो गाइस मडगार्ड जो है ना बैठ चुके हैं प्रॉपर, बढ़िया से बैठ चुका है। आप देख सकते हो साइड से, यहाँ से देख सो हे गाइस बच्चों, रोवन दिस इज राहुल बैकिंग द न्यू वीडियो। तो आज है ईद, तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सैटरडे 22 अप्रैल 2023, तो आज का दिन ईद है। आप लोगों को सभी लोग ईद मुबारक, आप सभी लोग ईद बहुत अच्छा जाए। तो आज का जो वीडियो है ना, आप मेरे पीछे देख सकते हो एक सुजुकी एक्सेस है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटा सा कस्टमाइज़ करेंगे, थोड़ा इसका हल्का सा लुक चेंज करेंगे, जो कि रहेगा एप्रिल का मडगार्ड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल, टाइटल थंबनेल में और इंस्टा में। तो आजकल सुजुकी एक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है, तो मैंने क्यों ना सोचा इस एक्सेस में भी एप्रिल का मडगार्ड लगाया जाए। तो किस तरह से लगाने, क्या क्लेम यूज़ कर रहा हूँ सब मैं बताऊँगा इस वीडियो को। वीडियो पूरा देखना अच्छे से, चैनल बने तो सब्सक्राइब ठोक के जाना, और अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखे एक लाइक कर देना। कुछ पूछना है कमेंट या फिर इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आईडी या डीएम कर सकते हो आप लोग। तो चलो सबसे पहले ना मिलवाता है फिर सुजुकी एक्सेस से। जैसे कि आपने पास सुजुकी एक्सेस 125 इसका ना मडगार्ड में थोड़ा स्क्रैचेस गिरा और हल्का सा डेंट भी पड़ा है, तो इसका थोड़ा सा हल्का लुक खराब दिख रहा है। और थोड़ा सा मतलब ये स्टॉक वाला मडगार्ड थोड़ा भद्दा टाइप का दिखता है, मतलब जिसको पसंद है इसको पसंद है, बट मुझे ऐसा पसंद नहीं है। और मुझे पता है आप सभी लोगों में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा ऐसा मडगार्ड, तो इसलिए हम लोग इसमें एप्रिल का मडगार्ड इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अपने पास ये रहा। ठीक है, ये एप्रिल का मडगार्ड, इसमें थोड़ा सा कटिंग वटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टॉक वाला मडगार्ड है इसको रिमूव करना पड़ेगा। स्टॉक वाला मडगार्ड रिमूव करके फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे इस एप्रिल मडगार्ड काट के। और इसके लिए जो शीट है ना, इस तरह का शीट यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे मेरे नहीं इस मैगी के बेबी से छोटे छोटे बच्चे, हाल ही में इसका जन्म हुआ। तो ये शीट इस तरह एल्युमिनियम शीट होता है, तो ये हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है, आप ऐसा कुछ दिखा देना। इस तरह शीट होता है, एल्युमिनियम शीट बोलते हैं इसको। ठीक है, इस वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें क्लेम बनाने के लिए। सबसे पहले चलो हम लोग इसका जो स्टॉक वाला मडगार्ड है ना उसको रिमूव कर लेते हैं। किस तरीके से रिमूव करना है वो चलो देख लो। सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा इसका सेंटर, जो कि ये रहा इसका सेंटर, उसको निकालना पड़ेगा आपको। खोलना पड़ेगा सेंटर रिमूव करने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे एक स्क्रू है, ठीक इसी का अपोजिट साइड में यहाँ पे एक स्क्रू है, एंड फिर नीचे में ये दोनों तरफ स्क्रू लगता है, बट इसका इसमें नहीं है, इस तरफ में इसका नीचे। तो आप इसको हटाओगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक स्क्रू है। ठीक है, तो ये तीनों स्क्रू को अनस्क्रू करके मैं इसको इसका कवर जो निकाल लेता हूँ। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की मदद से ना इसको अनस्क्रू कर लेता हूँ। तो ये अपना खुल गया है, यहाँ पे दूसरा वाला, एंड फिर मडगार्ड का नीचे स्क्रू खोलने के बाद अब इसको खींच सकते हो, इस तरह रिमूव हो जाएगा। फिर रिमूव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप 10 मिलीमीटर का दो बोल्ट है यहाँ पे, और ठीक है, और यहाँ पे साइड में ये दोनों साइड में एलिंकी है 5 नंबर का। ठीक है, ये दोनों एलिंकी को रिमूव करना है, और इस 10 नंबर दो है ना दो बोल्ट को रिमूव करना है। ठीक, तो इसको रिमूव करने के लिए ना मैं 10 नंबर टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का बोल्ट दोनों रिमूव कर दिया मैंने, एंड अब इस 5 मिलीमीटर का एलिंक से इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करते हुए थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पुराना हो जाता है ना तो ये क्या होता है इसका थ्रेड खराब हो जाता है। मुझे ऐसा मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये चीज़ तो आराम से इसको एलिंक की जो है ना थोड़ा आराम से, ये भी काफ़ी जाम हो चुका है, ब्रेक खुल जाएगा। अब देख सकते यहाँ पे हल्का सा रश पकड़ लिया था, इस तरीके से क्या होता है ना सीरीज हो जाता है ये चीज़ तो। दोनों एलिंक रिमूव कर दिया, यहाँ का 2 दशमलव रिमूव कर दिया, और इसके बाद ना मुझे लगा इससे काम हो जाएगा, बट नहीं, हमको टायर भी निकालना पड़ेगा, मतलब रिम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ठीक इसका ना इसका नीचे से अंदर से 1 दशमलव नट है, तो उसको खोलने के लिए इसको व्हील को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमको व्हील रिमूव करना पड़ेगा, ये मेन एक्सेल हो गया 12 मिलीमीटर 17 मिलीमीटर, अरे कैलिपर हो गया 12 मिलीमीटर और यहाँ पे 8 मिलीमीटर, ये तीनों को खोल के ना और व्हील को रिमूव करके फिर नीचे कट्टी निकालता हूँ। चला कैलिपर खोलने के बाद ना ये जो मेन एक्सल है ना इधर में रहता है 17 मिलीमीटर, उधर में रहता है 12 मिलीमीटर, 17 उधर है 12, कैलिपर का तो 12 रहता है 12 मिलीमीटर। तो इसका एक्सल का भी रिमूव हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइट था ये,
एक्सेल को निकाल देते हैं अभी। कबूल मूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी नीचे है 10 मिलीमीटर का बोल्ट एक, जो कि यहाँ पे चुप वैसे। तो गाइस हम लोगों ने मडगार्ड जो है रिमूव हो चुका है, तैयार हम लोग का ये मडगार्ड जो है ना ये वाला रिमूव हो चुका है। यहाँ पे दो स्क्रू था, साइड में दो एलिंकी और नीचे में यहाँ पे एक स्क्रू था, ठीक है। ये पांचों स्क्रू को अनस्क्रू करके आप मडगार्ड को निकाल सकते हो, बट इसमें किसी की हेल्प नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ना गाड़ी पूरा आगे आ जाता है, बार बार व्हील खोलने से आगे जाता है। चलो अभी मैं व्हील को बैठा लेता हूँ, फिर इसमें मडगार्ड का इंस्टॉल कर जुगाड़ बताता हूँ। टायर जैसा था वैसे लगा दिया, मडगार्ड रिमूव कर दिया, यहाँ पे मडगार्ड और टायर लगा दिया फिर से। अभी क्या करते हैं ना, इसका जो साइज़ है ना इसको निकालना पड़ेगा, अभी साइज़ कितना कटिंग करना पड़ेगा देखते हैं अभी। चलो मेरे पास एक कैलिपर है, फर्नर कैलिपर, उससे मैं एक बार इसका मेजरमेंट ले लेता हूं कितना गैप चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क कर दूंगा। चलो ये रहा अपने पास फर्नर कैलिपर। इसका पहले ना मैं सस्पेंशन जो सिलेंडर है इसका पहले नाप ले लेता हूं कितना डिस्टेंस में है। इसका 4.90 इंच हम लोग निकाला इसका, इसमें देखता है कितना होता है अभी इसमें। इसका यहाँ तक कट करना पड़ेगा हम लोगों को, आप देख सकते हैं इधर। तो इसका मैं नाप ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं मार्क भी कर दिया, एक छोटा सा लाइन दे दिया, तो इस हिसाब से मैं मशीन से कट कर लेता हूँ साइड साइड से। अभी जो दोनों से रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अभी थोड़ा रफ है तो उसको मैं ना बोल ग्राइंडर से मतलब बढ़िया से ग्राइंड कर देता हूँ, फिर एकदम मक्खन जैसा प्लेन कर देता हूँ। सब इसका दोनों साइड है ना तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अभी चलो इसको अंदर इसमें बैठा के देखते हैं सस्पेंशन में कि बैठता है कि नहीं। सो गाइस मडगार्ड जो है ना बैठ चुका है प्रॉपर, बढ़िया से बैठ चुका है, आप देख सकते हो साइड से, यहाँ से देखो एंड इधर से देखो, बड़ा बैठ चुका है, बढ़िया एकदम सही है। और गाड़ी के साथ ब्लैक में जज भी रहा है, अभी तो प्रॉपर जब कवर लगा दूंगा तब पता चलेगा कैसा लग रहा है। तो अभी तो ये तो उसका काम तो हो चुका है, अभी दूसरा पड़ाव क्या आता है हम लोग को क्लेम मारने का। तो चलो अभी इसका करते हैं ना क्लेम मारने का कार्यक्रम स्टार्ट। हम लोग क्लेम पहले ना चार बनाना पड़ेगा, इधर का दो एंड इधर में भी दो लगे, इधर एक ही लगेगा शायद, जी हाँ इधर एक लगेगा और इसमें एक इधर इसमें नहीं लगेगा, सॉरी ये वाला में नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैलिपर का वो है, यहाँ पे एक लगेगा और पीछे के लिए ना यहाँ से माउंट कर दूंगा स्ट्रेट, एक क्लेम लगा दूंगा और यहाँ पे एक राउंड क्लेम, इधर में दो राउंड क्लेम। और अगर होता है तो जगह ज़्यादा मजबूत नहीं मिला तो इधर से मैं क्लेम दे दूँगा कि ये जगह ना क्लेम के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ, फिर भी देखते हैं। चलो पहले इसका जो चूड़ी है ना बनाता हूँ मैं, तीन चूड़ी बना लेता हूँ पहले। अभी जो मैंने है ना एक क्लेम का मार्क ले लिया उस तरीके से नाप के ना मडगार्ड का सहारे एक क्लेम का नाप ले लिया, ठीक है। कितना लंबा है कितना इंच है मैं बता रहा हूँ आपको। चलो पहले इसका ना स्ट्रेट कर लेते एक बार के लिए। इसका लंबाई करीब करीब ना 7 इंच है, ठीक है 7 इंच है। यहाँ पर थोड़ा कमती पड़ रहा है, यहाँ पे 6-18 दिखा रहा है, तो अराउंड 7 इंच जैसा होगा। चलो इसको ना पहले हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, ड्रिल करके मेजरमेंट ले लेते हैं कितना है क्या है।
इसको दो होल मार दिया दोनों, तो दो होल मार दिया एक इधर दो। चलो इसको अभी मरगन में फिट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। और इसका पहले कर लेते हैं टेप, ताकि हम लोग सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, मतलब स्क्रैचेस वगैरह ना आए, प्रॉब्लम के स्क्रैचेस ना आए। तो इसको मैंने ना टेप भी कर लिया बढ़िया से, और टेप करने के बाद दो होल भी निकाल दिया टेप को क्लीन करके अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं इसको, चलो लगाते हैं पहले। तो अभी इस क्लैंप को पहले एक को लगा कर देखते हैं कि कैसा बैटर है, परफेक्ट टाइट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद बाकी सब भी यहाँ पे कट कर रखा है, उसको भी होल मारेगा। इसके लिए हम लोग 10 मिलीमीटर नट बोल्ट और वॉशर का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, नट बोल्ट और वॉशर। ठीक है, वॉशर को रहना है अपने बाहर साइड में, एंड फिर रखेंगे क्लैंप को अंदर में। तो ये अच्छा टाइट हुआ है अभी। ठीक है, आप देख सकते हो अंदर से मैं इस तरह का लगाया, ये बोल्ट बीच में क्लिप है, मतलब क्लैम है दोनों का नट बोल्ट का, और पीछे से मैं फिर लगा दिया, कस किया। अभी हाथ से कसा है, बाद में प्रॉपर कसूंगा सब लगाने के बाद। ठीक है, तो चलो इस नीचे का वाला को भी होल मार करना, इसको रेडी कर लेते पहले। तो इन दोनों क्लैम को भी रेडी कर दिया, तो चलो इसको लगाते फटाफट से जल्द से जल्द। Until tomorrow is fading now, I don't know why you're young and wild. There's still our eyes on you, they're watching over. Keep your composure, be your controller. तो गाइस अभी मैंने ना इस साइड में एक लगा दिया डिस्क वाला साइड में, और इस साइड में दो लगा दिया। ठीक है, सोने के बाद मॉडल को जैसा दिख रहा है, शायद ये थोड़ा इस साइड थोड़ा डाउन है, इस साइड में थोड़ा अप है जी, इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और ये होने के बाद नहीं तो पूरा टाइट हो चुका है, पूरा मजबूती, बट ये ना ये हिल रहा है। ठीक है, जर्किंग मैंने साउंड करेगा, कट 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 साउंड करेगा। इसके लिए ना यहाँ से एक क्लैंप यहाँ तक खींच के लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये जगह एक जगह में सेटल रहेगा। चलो इसको पहले मिला लेता हूँ मैं एक अप डाउन टू। सो गाइस ये देख सकते हो आप, अभी कुछ तरीके इस तरह का स्ट्रेट क्लैंप ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि ये हिल रहा था। और इसके लिए ना मैं यहाँ पे जो पाइप को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक माउंट बनाया, ठीक है, इसमें नट लगाऊंगा और इसमें एक नट बोल्ट लगाऊंगा, बस हो जाएगा। तो देखो अब मैं कैसे लगा रहा हूँ स्विच ब्लैक क्लैंप को ना, एक 10 मिनट नट बोल्ट लगा लूँगा मैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस जाएगा मटगर को अंदर से, और ये पीछे से लगेगा, तो कुछ इस तरीके से वॉशर दे दूँगा, उसके बाद फिर नट को लगा दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से लग गया, अभी देख सकते हो फुल टाइट है। अभी पहले कितना हिल रहा था, अभी देखो बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप एप्पल का लगा सकते हो सुजुकी एक्सेस में। क्लैंप देख लो, यहाँ पे एक लगाया एंड पीछे के लिए सपोर्ट के लिए एक, ये नीचे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैलिपर होल्डर है, कैलिपर माउंट के लिए कुछ जगह है, यहाँ पे क्लैंप नहीं बैठेगा। ठीक है, एंड सेम अपोजिट साइड में दो बैठे हैं, ताकि इसमें ज़्यादा अच्छे से मजबूत मिले। इधर भी देखो ज़्यादा ये जगह हिल नहीं रहा है, इधर सही लगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तरफ से तो ये शेक नहीं करेगा, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। ये बाद में इसको ना हाइड्रो डिपिंग करके इसको मैं कार्बन फाइबर लुक दे दूंगा इस मटगर को, और अच्छा लगेगा। चलो इसको ना अभी मैं उसका सेंटर कवर बैठा देता हूँ, एंड फिर आपको फिनिशिंग वाला लुक दिखा दूँ। सो गाइस फाइनल सेटअप जो पूरा हो चुका हम लोग का, मैंने सेंटर वेंटर सब लगा दिया, सारा क्लैंप लगा दिया, मटगर एकदम मजबूत एकदम तगड़ा हो गया, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, एकदम बढ़िया, मतलब
परफेक्ट मेरा काम हुआ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मटकर। गाड़ी के साथ बहुत जज भी रहा है, ब्लैक ब्लैक में पता चला जज रहा है। तो देखो आप पहले मटकर कैसा लुक दे रहा है गाड़ी में। और बस टायर में थोड़ा गंदा लगा है, कीचड़ है, तो थोड़ा सा बारिश आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ना मतलब टायर में मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, इस तरीके का मिट्टी वगैरह लगा है, इसको वॉश करेंगे अभी अपन। तो अभी गाड़ी देखो सेंटर में लगने के बाद कुछ मतलब काफ़ी अच्छे से लुक दे रहा है, और जो सस्पेंशन का जो स्टील वाला पाइप है ना वो दिख रहा, तो थोड़ा अलग सा कूल लुक लग रहा है। अभी ना छोटा मोटा मॉडिफिकेशन एक्सेस में भी आना शुरू हो जाएगा आपका इस भाई का चैनल पे, आप लोगों का प्यारा सा बीके जी रूट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, अगर इसका भी मॉडिफिकेशन देखना रहेगा तो इसमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आता रहेगा। वो तो मर्डर लग चुका है, धीरे 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 इसका भी हुलिया थोड़ा चेंज कर देंगे, ऐसे डी ओ क्या वैसे ही थोड़ा बहुत इसका भी हुलिया चेंज कर देंगे। अगर आपको कोई सजेशन रहता है इसको इसका रिलेटेड कुछ क्या बनाना है तो आप जरूर से मेरे को डी एम कर सकते हैं, फिर कमेंट करके मुझे बोल सकते हो कि कैसे करना है। ऊपर तो इसमें एप्रिलिया मर्डर लगाने का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी, इतना हार्ड कुछ है नहीं, बस कट करना है मटगट और बनाना है क्लैम और फिट कर देना गाड़ी में, बस इतना ही है। और थोड़ा देख के कट करना, और जो है ना सस्पेंशन का पाइप जो है ना स्टील पाइप, इस जगह की बात करता है यहाँ पे ये टच ना हो, ऐसा टाइप में बनाना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना ये मूवमेंट करते करते पाइप दागी हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएगा पाइप में, फिर ये पाइप चेंज करना पड़ेगा। दोनों तरफ देख लेना गैप रहेगा, जिस इतना इतना हल्का हल्का गैप नसीब हो जाएगा, ठीक है, बस टच ना हो, ऐसा बनाओ कि टच ना हो पाइप में, बस यूनिक कॉन्सेप्ट है, नहीं बहुत लोग लगा दिया, बट मैं सोचा ना कि मैं यूट्यूब में सर्च किया सुबह कि एक्सेस में एप्रिल का मटगट कैसे इंस्टॉल करें, मैं देखा था बट एक भी नहीं मिला, शॉर्ट्स मिला बट ऐसे प्रॉपर मतलब बता के या डिटेल में नहीं मिला, बस इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग हेल्प हो और इजी से आप लोग भी आसानी से लगा पाओ। तो बस यही था आज का कंटेंट, में वो करते कंटेंट अच्छा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल में तो आपका मर्जी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा कोई बात नहीं, बट मैं तो बोलूँगा सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि ऐसा मोटिवेशन इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो चलो मिलेंगे ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक एंड खुदा हाफिज़, मिलेंगे जल्दी वीडियो के साथ, जल्दी वापस मिलेंगे, बाय बाय।